साविया ने मुनावर फारूकी को फॉलो कर लिया है। मुनावर फारूकी को तो जानते ही हैं आप लोग, आप लोगों ने ही तो जिताया है बिग बॉस 17। पर साविया को नहीं जानते। साविया को जोकर की एक्स भी बोला जा सकता है अगर आप चाहें तो। पर साविया जो है चाहती ही नहीं है कि जोकर का नाम जो है उसके साथ जुड़े। पर आखिरकार कभी कभार ऐसे पास्ट जो है सामने आते हैं जिसको मेंशन करके जो है एक बंदे की पहचान बनती है और उसको उसी तरीके से पहचाना जाता है, तभी बंदे को अच्छा, वो हो, हाँ, जानते हैं हम। तो जो जोकर है वो कितना बड़ा जोकर है ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, वो कितना बड़ा झूठा है ये चीज़ तो आपको पता है। तो साविया जो है इसने अब मुनावर फारूकी को फॉलो किया। साविया की पहले मैं स्टोरी आप लोगों को बता देती हूँ। साविया को बहुत ही बड़ा धोखा जो है इस जोकर ने दिया था। पहले तो साविया राइडर है एक, जो कि नेपाल में थी, तो इसको बुला लिया राइडर ने, जोकर ने अपने पास, और इसके साथ प्यार के वादे किए, शादी के वादे किए, घूमा फिरा, बहुत सारे व्लॉग्स बनाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई जोकर के यूट्यूब चैनल पे ही साव्या से जुड़े हुए अभी भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर इस बंदे ने बहुत सारे वादे किए थे इसके साथ। पर इन द लास्ट इसमें जो है जोकर ने साव्या को दे दिया धोखा, और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी। और साव्या को धोखा देने के बाद साव्या ने तो सपने सजा लिए थे, तो आखिरकार वो क्या करती? उसने सोचा कि मेरा तो अभी मरना ही सही है, तो साव्या ने जो है सुसाइड करने का सोचा। इसी बीच में जो है इवन जोकर ने जो है साव्या के यूट्यूब चैनल पे काफी सारी वीडियोस को भी डिलीट कर दिया, जिसके कारण उसका यूट्यूब भी नहीं चला। तो साव्या के पास कोई भी रास्ता ही नहीं छोड़ा था। पर साव्या के माता पिता तो थे ना, इसीलिए उनके माता पिता ने देखा कि हमारी बच्ची तो भाई मर जाएगी, सुसाइड कर लेगी, तो साव्या को एक दूसरी कंट्री में उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया। पर अब साव्या चर्चा में इसलिए है क्योंकि साव्या ने मुनावर फारूकी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है। और ये बात क्यों उसने की है, मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए उसने की है, मुंह एक मतलब बोलते ना गीला वाला थप्पड़ मारने के लिए, मतलब भिगो भिगो के थप्पड़ मारना। कि ये बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लड़की इतना टाइम जोकर के साथ रही है, वो जोकर के बारे में कितना सब चीज़ें समझती होगी, जानती होगी उसको। तो उसने मुनावर को फॉलो करके ये चीज़ बता दी है कि मुनावर सही है और जोकर कितना गलत है, और जो दुनिया उसके बारे में बोल रही है वो जोकर के साथ नहीं, वो मुनावर फारूकी के साथ है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।